हेलो एंड वेलकम टू हम जावा के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन और उन पॉइंट्स को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं जब तो हमने इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ा था जिसको हमने बोला था पब्लिक पॉइंट में जब तो हमने इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी तो हमने बोला था ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथड होता है और ये आपके प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है या हम जिसको बोलते हैं कि यहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट होता है द मेन फंक्शन लेकिन इसके आगे हमने कीवर्ड यूज किया था जिसको हमने बोला था स्टैटिक तो ये स्टैटिक कीवर्ड है क्या और जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं और नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है तो एक बार क्विकली देखते हैं कि इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है और फिर हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो अगर मैं एक स्टार्टिकवर्ड की, की बात करती हूँ कि ये एक कीवर्ड है और ये एक बेसिकली ऐसे मेथड्स तो को कंस्ट्रक्ट करने में हमें हेल्प करेगा जिनको आप बिना क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते यानी आप क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स बनाते हैं हम उनकी प्रोग्रामिंग में भी देख चुके हैं कि जब भी आप उन मेथड्स को बनाएंगे अगर आपको उनको कॉल करना है तो आपको उसको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है लेकिन स्टार्टिंग मेथड्स वो मेथड्स होंगे जिनको आप बिना ऑब्जेक्ट के ही कॉल करेंगे वो कॉल कैसे होते हैं तो वो कॉल होते हैं सिर्फ क्लास के नाम और डॉट के साथ कॉल करते हैं तो ये जो ऐसे फंक्शन होंगे जो आप चाहते हैं कि हम विदाउट दी एक्सेस ऑफ क्लास यानी होते क्लास के अंदर ही है लेकिन आप इनको क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं ये ऐसे मेथड के लिए काम में आता है जिसमें आप यूज कर सकते हैं कोई भी आपको फंक्शनलिटी यूज करनी है या आप चाहते हैं कि कुछ आपके स्टैटिक डेटा मेंबर्स है आपके प्रोग्राम के अंदर तो उन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को भी स्टैटिक फंक्शंस ही एक्सेस कर सकते हैं इसके कुछ फीचर्स होते हैं जैसे स्टैटिक मेथड इन जावा इज दैट इज पार्ट ऑफ अ क्लास रादर देन एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास ठीक है ये एक ऐसा मेथड रहेगा विदाउटिंग ऑब्जेक्ट ओनली स्टैटिक डेटा कैन बी एक्सेस बाई दिन जो आपके नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं वो आपके स्टैटिक डेटा में एक्सेस नहीं कर सकते हैं. जो भी आपके स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं स्टैटिक मेथड जो होंगे वो डायरेक्टली एक्सेस होते हैं अब इन दोनों के अगर हम बीच का डिफरेंस देखते हैं तो इंस्टेंस मेथड होते हैं जो हमारे नॉर्मल मेथड्स होते हैं जिनको हम इंसेंट मेथड भी बोलते हैं नॉन स्टैटिक मेथड्स भी बोलते हैं हम उनको उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है लेकिन स्टैटिक मेथड्स को जरूरत नहीं पड़ती है आप सारे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हो स्टैटिक मेथड्स सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास को ही एक्सेस कर सकते हैं द मेथड्स कैन बी एक्सेस ओनली यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस यानी ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है विद डॉट एंड देन यू कैन कॉल द फंक्शन लेकिन यहाँ पे जो आपके स्टैटिक मेथड होते हैं उनको हम क्लास के नाम के साथ कॉल करते हैं ये एक पास बाय वैल्यू प्रोग्रामिंग होती है जिसको हम नॉन स्टैटिक मेथड्स होते हैं और जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो पास बाय रेफरेंस के थ्रू होते हैं अब एक बार प्रोग्राम में देख लेते हैं कि क्या इनका डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करते हैं मैं क्विकली अपने सबलाइम टेक्स्ट में मूव करूंगी अब जब आप इस प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम स्टैटिक मेथड्स और नॉन स्टैटिक मेथड्स को कैसे बनाएंगे तो जब भी आप कोई स्टैटिक मेथड बनाना चाहते हैं तो उसके आगे आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ता है दैट इज योर स्टैटिक जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो भी एक स्टैटिक मेथड ही है क्यों है वो स्टैटिक मेथड क्योंकि जब आप कोई प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो आपको उस मेथड को कॉल करने की जरूरत पड़ेगी जो आपका मेन मेथड है उसको कौन कॉल करेगा जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है तो उस टाइम पे कौन ऑब्जेक्ट बनाएगा क्लास का एंड हु विल कॉल द मेथड तो उस केस में हम लोग मेन फंक्शन को स्टैटिक बनाते हैं तो जब भी आप जावा और क्लास लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके स्टैटिक फंक्शन यानी जो मेन फंक्शन है उसको कॉल करेगा सो दिस इज दी बेसिक आइडिया बिहाइंड कि हम क्यों मेन फंक्शन को स्टैटिक बनाते हैं एक बार देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंट मेथड होते हैं तो हम उसको कैसे यूज करेंगे सबसे पहले मैं एक सिमिलर सेम क्लास में लूंगी मैं यहाँ पे एक दूसरा मेथड बना देती हूँ लेट सपोज मैं बनाती हूँ पब्लिक स्टैटिक वाइड ओके मैंने ये एक फंक्शन बनाया है और मैं इसके अंदर कुछ भी सिंपल कोडिंग लिख रही हूँ आई एम नॉट एडिंग मच ऑफ द फंक्शनैलिटी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटेल एन और मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू पास कर देती हूँ स्टैटिक मेथड इन फर्स्ट क्लास ठीक है सेमी सेमीकोलन लगा दीजिए कोलन का इम्पोर्टेंस सबको पता होनी चाहिए कि इट इज बेसिकली यूज टू टर्मिनेट योर स्टेटमेंट अब हम आते हैं इस हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर जब हम बोलते हैं कि मेन प्रोग्राम के अंदर आपके पास कोई दूसरे फंक्शन होते हैं आपको उनको कॉल करना पड़ता है राइट right? हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम एक दूसरा फंक्शन भी बना के देख लेते हैं नॉर्मल वर्ड लेट से फन ठीक है यहाँ पे हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन में यहाँ लिखूंगी नॉन स्टैटिक फंक्शन इन फर्स्ट क्लास क्लियर और यहाँ सेमिकोल से हम लोग हमारे स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हैं अब आते हैं हमारे मेन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं फर्स्ट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है एफ वन इक्वल्स टू न्यू और यहाँ पे आप एफ आई आर सी ठीक है अब एक काम करते हैं इस फंक्शन के थ्रू ही हम हमारे दोनों फंक्शन को कॉल करते हैं सपोज मैं लिखती हूँ डिस्प्ले ठीक है और दूसरा हम लिखते हैं एफ वन डॉट फन दोनों फंक्शन मैंने लिख दिए हैं HC, हमारे कौन से फंक्शन चलते हैं कौन से फंक्शन नहीं चलते हैं। okay, save नहीं हुआ है, control S, तो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है एक मैंने स्टैटिक फंक्शन बनाया है दैट इज स्टैटिक वाइट डिस्प्ले एंड एक दूसरा फंक्शन बनाया है मैंने व्हाइट फंक्शन तो जो आपका स्टैटिक फंक्शन है डिस्प्ले और एक दूसरा फंक्शन है आपका फन दैट इज अल फंक्शन वो स्टैटिक नहीं है अब हम ये देखेंगे कि इन फंक्शंस को हम कैसे कॉल कर सकते हैं मैंने पहले इन दोनों फंक्शंस को विद दी ऑब्जेक्ट कॉल किया है क्योंकि स्टैटिक फंक्शंस हैं दे आर पार्ट ऑफ ए क्लास तो आप उनको इंस्टेंस के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं क्या हम कॉल कर सकते हैं या नहीं पहले ये चीज देख लेते हैं ओके परफेक्टली फाइन तो यहाँ पे हम एक कैटेगराइजेशन देख लेते हैं जैसे आप जब भी कोई प्रोग्राम रन करेंगे आप ये स्टैटिक या नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में या डेटा मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये चीज बोली जाएगी कि स्टैटिक फंक्शन वो होते हैं जो बिना क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं बट अगर आप इन क्लास का ऑब्जेक्ट बना भी लेते हैं तो आप इनको इजिली कॉल कर सकते हैं इज नथिंग एज सच लेकिन क्या मैं इसको बिना क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकती हूँ पहले ये देख लेते हैं यानी मैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव कर देती हूँ तो क्या ये कॉल होगा एच सी वापिस री रन करेंगे हम इसको क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो स्टैटिक फंक्शंस थे आप उनको डायरेक्टली कॉल कर पा रहे हैं अब ये डायरेक्टली कॉल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये सेम क्लास के अंदर है उसी क्लास के अंदर फंक्शन है आपका डिस्प्ले तो वो इजीली यहाँ पे रिकॉगनाइजेबल है यही अगर आपके पास कोई दूसरी क्लास में सेम फंक्शन होता लेट सपोज मैं यहाँ पे एक दूसरी क्लास एड कर लेती हूँ मैं लिखती हूँ क्लास सेकेंड ठीक है यहाँ पे हम एक और फंक्शन बना लेते हैं स्टैटिक वॉइड लेट सपोज मार्क ठीक है एंड यहाँ पे लिख दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और आप लिख दीजिए ठीक है यानी आपकी ये सेकेंड क्लास है जिसके आप static function को कॉल करना चाहते हैं मैं यहाँ पे सेमी लगा देती हूँ लेट्स सी अब इसके मेन के अंदर आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इसके ऑब्जेक्ट मैंने नहीं बनाया तो क्या मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करते हैं सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या मैं इसको बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकती हूँ क्या इट्स मार्क सी नाम मार्क ये सिंबल है ये इसको नहीं रिकोगनाइज कर पा रहा है क्योंकि इसकी क्लास जो है वो डिफरेंट है तो अब हम क्या करें इस केस में क्या मैं इसको क्लास के नाम के थ्रू कॉल कर सकती हूँ क्योंकि आपकी क्लास का नाम सेकेंड है तो मैं इसको ऐसे भी कॉल कर सकती हूँ लेट्स अगेन सी नॉट फाइंड सिम्बल एक बार वापस देख लेते हैं तो सेव नहीं हुई है सेकेंड नहीं है हमने गलत जगह लिख दिया सेकेंड एसई सी ओ एन डी सेकेंड डॉट मार यहाँ आएगा सीनम तो एक स्टैटिक फंक्शन की जो बहुत बेसिक फंक्शनैलिटी आपने देखी होगी कि आप इसको क्लास के नाम के थ्रू कॉल कर सकते हैं इट डज नॉट रिक्वायर एन इंस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट पहली चीज जो आपके नॉन स्टैटिक फंक्शन होते हैं उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है आप बिना उनको ऑब्जेक्ट्स के कॉल नहीं कर सकते हैं दैट मीन्स अगर मेरा यहाँ पे एक और फंक्शन है दैट इज फन तो क्या इस फन वाले फंक्शन को मैं बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकती हूँ क्या लेट सी सी नाउ तो ये एक नॉन स्टैटिक फंक्शन होते हैं ये आपको एक्सेसिबिलिटी uh, नहीं देते हैं आपको इनको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करना पड़ता है लेकिन जो आपके स्टैटिक फंक्शन होते हैं यहाँ पे अगर आप सेम क्लास बात कर रहे हैं विद इन द क्लास है जैसे क्लास फर्स्ट है आप उसी के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं नहीं तो आप क्लास के नाम के साथ उसको कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी देख सकते हैं लेकिन एक डिफरेंसिएशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो जो एक क्लियर डिफरेंसिएशन हमको दिखता है कि आपके जो नॉन स्टैटिक फंक्शन होते हैं उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती ही है इन एनी केस लेकिन जो आपके स्टैटिक फंक्शन होते हैं दे कैन बी कॉल्ड विद योर इट इट विल नॉट रिक्वायर एन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इट कैन बी कॉल्ड विद द क्लास नेम और अगर आप विद इन द क्लास बात करें यानी आप सेम क्लास के अंदर ही उस स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं यू डोंट इवन रिक्वायर क्लास नेम ऑल्सो तो यहाँ पे ये जो डिफ्रेंसिएशन होता है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स का ये क्लियर हो जाता है और आपके जो एक माइंड में डाउट आता है कि क्यों हमारा मेन स्टैटिक होता है तो द रीजन बिहाइंड दिस इज कि मेन इसीलिए स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं हम यहाँ पे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम कैसे कॉल करेंगे इस फंक्शन को कॉल करने के लिए तो यहाँ पे हम मेन को एक स्टैटिक uh, कीवर्ड दे देते हैं सो दैट एक ईजी रेस्ट रहती है और जैसे ही आप जब यहाँ पे हमने जब एग्जीक्यूशन किया तो जैसे ही हम यहाँ पे इसमें अभी एरर है इसको हम एरर को रिमूव करते हैं आप यहाँ लिख दीजिए डॉट कंट्रोल तो यहां पे जब आप लिखते हैं जावा फर्स्ट फर्स्ट ये first आपकी क्लास फाइल होती है तो जब आप इसकी क्लास फाइल को कॉल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका मेन फंक्शन कॉल हो जाता है जो कि आपका ड्राइवर फंक्शन होता है जो आपके पूरे प्रोग्राम को ड्राइव करता है तो दिस इज समथिंग ये एक कैटेगराइजेशन होता है एक डिफ्रेंसिएशन होता है जो आपको पता होना चाहिए स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आता है कि जो स्टैटिक फंक्शंस होते हैं वो आपके जो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं क्या वो उनको एक्सेस कर सकते हैं क्या तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिख लेती हूँ लेट सपोज इंटीजर ए ठीक है जिसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी है टेन अब मैं यहाँ जाती हूँ जो मेरा स्टैटिक फंक्शन है और मैं यहाँ पे एक कीवर्ड ऐड कर देती हूँ हमने इस चीज़ को पढ़ा है इफ़ यू रिमेंबर मैं प्लस करके

तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो एक जो वेरिएबल होते हैं आपके जो स्टैटिक वेरिएबल्स नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ आपका एक आ, जो आपके स्टैटिक फंक्शन होंगे वो कॉल नहीं कर पाएंगे स्टैटिक अगर मैं इस वेरिएबल को भी स्टैटिक डिक्लेयर कर दूट सपोज अगर हम ऐसा कुछ कर देते हैं तो क्या चेंज होता है सी सीना यहाँ पे उसने एक्सेस कर लिया जो आपका नॉन स्टैटिक फंक्शन था वो स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहा है तो इसके तक यहाँ पे हम करें तो अब सीना तो इट इज क्लियर जो आपके स्टैटिक डेटा मेम्बर्स होते हैं उनको क्लास के अंदर कहीं पे भी कोई भी कॉल कर सकता है लेकिन जो आपके नॉन स्टैटिक डेटा मेम्बर्स होते हैं उनको स्टैटिक फंक्शन कॉल नहीं कर सकते हैं यानी लेट सपोज आप यहाँ इंट ए लिखते हैं ठीक है और आप अपने मेन में आ जाते हैं क्योंकि मेन भी आपका स्टैटिक फंक्शन है मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और आप यहाँ पे सिंपली ए लिख रहे हो आप ए को एक्सेस करना चाहते हो तो ये यहाँ पे क्या एक्सेस हो जाएगा क्या कैन यू सी द रेफरेंस अगेन तो जो आपके नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स होंगे जैसे अभी आपने डिक्लेयर किया है ए को उसको कोई भी स्टैटिक फंक्शन एक्सेस नहीं करता ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखने की थोड़ी सी कंफ्यूजन लगता है इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल दिए हैं कि मेन के साथ आप कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पे एक मेजर कंसेप्ट जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है तो एक तो स्टैटिक जब आप की लगा देते हैं किसी भी फंक्शन के आगे तो उसके साथ आपको ऑब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है आप करते हैं देन इट्स फाइन बट आपको जरूरत नहीं है अगर आप सेम क्लास के अंदर काम कर रहे हैं तब तो आपको क्लास नेम की भी जरूरत नहीं है जहां आपकी क्लास चेंज हो जाती है और अगर आपको उस फंक्शन को कॉल करना है जो कि स्टैटिक है तब आपको क्लास का नाम लिखना जरूरी होगा दिस इज फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो भी आपके स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं उनको तो कोई भी एक्सेस कर सकता है लेकिन जो आपके नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं जैसे अभी हमारे पास इंटीजर ए है इनको स्टैटिक फंक्शंस नहीं एक्सेस कर सकते तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है रेस्ट जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस के ऊपर फंक्शनैलिटी होती है जो हम करते आए हैं अभी तक वो एप्लीकेबल होती है बट ये एक बहुत ही डिफरेंट सा इसका कैटेगराइजेशन समझ सकते हैं या एक समझ सकते हैं दोनों के बीच में सो स्टैटिक नॉन स्टैटिक ऑलरेडी क्लियर वाई मेन इज कॉल्ड एज स्टैटिक ये भी क्लियर है तो so, अब शायद हमारे पास इस लेवल पे हम आ जाते हैं कि जब भी हमारे पास कोई स्टैटिक और नॉन स्टैटिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमें पुट अप करेगा तो हमारा कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर होता है सो सी यू द नेक्स्ट लेक्चर विद डिफरेंट टॉपिक एंड विद डिफरेंट विदिफर टिल देन प्लीज कीप लर्निंग एंड थैंक यू की